आप सभी देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा 2024 की पहली परीक्षा में महज एक दिन का वक्त बचा है। कल से देश भर में 102 सीट पर मतदान होगा। वहीं यूपी की 8 सीट पर भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, लेकिन प्रथम चरण के मतदान से दो दिन पहले राहुल अखिलेश संयुक्त एक साथ प्रेस वार्ता करते हुए दिखाई दिए। अब इसका क्या असर पड़ेगा, आप हमारे इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुनाव में वादों की भरमार है, दावे हजार है, एक दूसरे से तकरार है। 24 के दंगल की अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। हर दिन पार्टी के छत्रप इस चुनावी दंगल में एक दूसरे से दो दो हाथ करते नजर आ रही हैं। इन सब के बीच कल पहले चरण का मतदान होना है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बिजनौर की सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में ठीक दो दिन पहले अखिलेश राहुल के एक साथ आने से वहां का सियासी माहौल कितना बदला है, ये गौर फरमाने वाली बात है। जिन 8 सीटों पर 19 तारीख को चुनाव होना है, उनमें से 5 सीटों पर 2019 में बीजेपी चुनाव हार गई थी। हालांकि तब सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन अब सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही है और रालोद बीजेपी के साथ गठबंधन में है। बदली हुई परिस्थितियों के साथ राजनीतिक दल बदले हुए स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल और अखिलेश ने जब एक साथ मंच साझा किया, इस दौरान राहुल और अखिलेश बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटोर्शन कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। बीजेपी पश्चिम इस बार विकास और ध्रुवीकरण को साथ साथ लेकर चल रही है, साथ ही वो विपक्ष के लीडरशिप का सवाल भी खड़ा कर रही है। मोदी के खिलाफ कौन है कि नैरेटिव को पश्चिम में बीजेपी की अचूक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी विकास और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों को पीएम मोदी के जनसभाओं के जरिए उठा रही है, तो सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कानून व्यवस्था और ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी कर रही है। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बनकर कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है, और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है इन्हीं लोगों के कारण आया है, जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे से जाट मुस्लिम अलग हो गए थे,
लेकिन साल 2019 में सपा बसपा और आरएलडी एक साथ आने से मुस्लिम जाट साथ आ गए थे। तब विपक्ष 8 में से 5 सीटें जीता था, लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है। ऐसे में जाट चौधरी परिवार के साथ रहेगा, जिससे एनडीए को फायदा हो सकता है। विकास और ध्रुवीकरण के कॉकटेल के बावजूद बीजेपी पहले चरण की कुछ सीटों को लेकर लगातार चिंतित नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर उसमें से एक है जहां बीजेपी अंतरकला से जूझ रही है। संगीत सोम और संजीव वालियान के बीच विवाद और जाटों के दो खेमों के बीच खींचातान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सीएम ने संगीत सोम और संजीव वालियान को एक साथ बिठाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि ठाकुर और जाट वोट बीजेपी के साथ खड़ा है। साथ में एनडीए के पास नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का चेहरा और मंदिर और राष्ट्रवाद जैसा मुद्दा है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि ध्रुवीकरण नहीं हुआ जो एनडीए करना चाहती थी। अब विपक्ष सोच विचार कर प्रचार कर रहा है। अगर पश्चिम में ध्रुवीकरण हो गया तो पूर्व तक असर दिखता है। आने वाले अन्य चरणों के चुनाव पर भी विपक्ष की इस रणनीति का असर दिखेगा। आउटपुट डेस्क 20 TV।